टूडेज टॉपिक इज बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसको हमें इलेक्ट्रिसिटी से चलाना होता है कंप्यूटर हेल्प्स अस टू वर्क विद ईज एंड एक्यूरेसी कंप्यूटर हमारे को हेल्प करता है जिससे कि हम बहुत आसानी से और पूरे एक्यूरेसी के साथ अपने अपना काम कर सकें कंप्यूटर इज़ कॉल्ड सिस्टम बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स दैट फॉर्म्स इन टू अ सिस्टम हम कंप्यूटर को एक सिस्टम कहते हैं क्यों क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं जैसे मोनिटर आपका की बोर्ड हो गया माउस हो गया सी पी यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो गई आपके स्पीकर हो गए वेब कैम हो गया तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम क्या बोलते हैं ये एक सिस्टम है जो एक आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक वर्क फ्लो इनके इसमें गो थ्रू करता है ठीक है सो द कंप्यूटर इट वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा कंप्यूटर वो क्या है इनपुट प्रोसेस आउटपुट इनपुट इनपुट ऑफ एनी इंफॉर्मेश एनी डेटा प्रोसेस कि वो उस जो डेटा हमने उसके अंदर डाला वो प्रोसेस होगा यानी उसके ऊपर वर्कआउट होगा और आउटपुट जब वो उसका वर्कआउट उसके ऊपर प्रोसेस हो जाएगा फिर वो बाहर आएगा फॉर एग्जांपल हमने टू प्लस टू डाला अपने कीबोर्ड से वो प्रोसेस होने कहाँ गया सी में गया और आपके मोनिटर पर लिखा हुआ आ गया फोर यानी इनपुट किया टू प्लस प्रोसेस हुआ सी में कि टू प्लस क्या होता है और उसको एड करने के बाद उसने आपको मोनिटर पर शो कर दिया दैट इज़ आउटपुट कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स कंप्यूटर जो है वो दो कंपोनेंट्स पे काम दो कंपोनेंट्स होते हैं उसके वो है आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वाट इज हार्डवेयर फिजिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर जो फिजिकल कॉम्पोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के यानी कि जिनको आप टच कर सकते हो फील कर सकते हो देख सकते हो तो वो क्या है आपके फिजिकल कॉम्पोनेंट्स हैं ठीक है यू कैन सी एंड टच ऑल द हार्डवेयर पार्ट्स आप जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं उनको टच फील सी सब कर सकते हो ठीक है इसलिए जिस आप पूरे कंप्यूटर में जो भी चीज़ आपको दिख रही है जिसको आप टच कर सकते हो वो आपका हार्डवेयर पार्ट है तो हार्डवेयर कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज़ उसको हम और तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं वो क्या है कि इनपुट डिवाइस प्रोसेस डिवाइस आउटपुट डिवाइस ठीक है इनपुट डिवाइस होते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस होती है और आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं यानी कि अगर आप पूरा कंप्यूटर लेके बैठे हो तो उसको आपने थ्री कंपोनेंट्स में थ्री हार्डवेयर uh, को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया Now let's talk talk about devices. Input device, process device and output device. Input device क्या होते हैं आपके keyboard, mouse these are called your input device. तो so, process device क्या होगा आपका CPU. ठीक and output device monitor, printer, speaker ये हमारे क्या कहते हैं इनको output device कहते हैं क्यों क्योंकि ये output device ये वो पार्ट्स होते हैं जिनसे इन्फॉर्मेशन हमको एज एन आउट एक प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है और इनपुट डिवाइस हम इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम नॉर्मल डेटा डालते हैं जैसे मैंने आपको अभी पहले भी एग्जांपल दिया था टू प्लस टू हमने डाला दैट इज़ अ रॉ डाटा कि हमने बस एक सिंपली बोला भाई टू प्लस टू क्या होता है तो सी ने क्या किया उसको प्रोसेस किया तो वो प्रोसेसिंग डिवाइस हो गया और फिर मोनिटर के ऊपर आपका क्या आ गया फोर लिखा हुआ आ गया तो वो आपका क्या हुआ आउटपुट डिवाइस और इसी फोर को अगर आपने अपने प्रिंटर से प्रिंट आउट ले लिया तो वो भी आपका आउटपुट डिवाइस है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है वो एक प्रोसेस होने के बाद आई है नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर uh, की होती जिन्हें हम इनपुट डिवाइस कहते हैं माउस लाइट पेन स्कैनर ट्रैक बॉल टच पैड कीबोर्ड जॉयस्टिक, माइक्रोफोन डिजिटल कैमरा ये सब आपके क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं नाउ व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस वो कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं जिनसे आपको प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन मिलती है मॉनिटर, मॉनिटर प्रोसेस होने के बाद आपके डिस्प्ले के लिए काम आती है आपकी इंफॉर्मेशन प्रिंटर उसी चीज़ का प्रिंट आउट लेने के लिए तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया स्पीकर स्पीकर्स हो गए हेडफोन्स हो गया प्रोजेक्टर हो गया प्रोजेक्टर आपने देखा होगा हमारे कंप्यूटर हमारे क्लासेस में डीजी uh, बोर्ड लगा हुआ है तो ऊपर एक छोटा सा बॉक्स लगा हुआ है जो हैंग हो रहा है तो वही हमारा क्या है प्रोजेक्टर है तो वो क्या एक आउटपुट एक डिवाइस है तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच वी कॉल्ड इट एज आउटपुट डिवाइस सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या हुआ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर एक एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके ऊपर जिसके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हार्डवेयर वर्क करते हैं ठीक है यानी कि एक कहीं कही ना कहीं एक ऐसा इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है हमारे कंप्यूटर में जिसमें हमने कीबोर्ड से टू प्लस टू डाला तो वो कंप्यूटर क्या कर रहा है उसमें प्रोसेस कर रहा है और मोनिटर को पता है कि वो प्रोसेस होने के बाद उसको मॉनिटर पर डिस्प्ले करना है तो यानी कि कुछ ऐसी सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसपे हार्डवेयर जो है वर्क करता है तो सॉफ्टवेयर क्या हुआ अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट एनेबल्स द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन अ डिज़ायर्ड मैनर इज़ कॉल्ड सॉफ्टवेयर आपने एक डिज़ायर्ड मैनर आपने टू प्लस टू यानि कि आपने एडिशन करने को बोला है एक डिज़ायर्ड मैनर में काम करने को बोला है ये काम बोला है कि उसको एडिशन करना है तो ये ही क्या हुआ पर्टिकुलर फंक्शन हुआ और एक तरीके से आपको फोर उसने लिख कैसे बताया कि यहाँ पर फोर लिखना है तो वो एक डिज़ायर्ड मैनर में उसने आउटपुट दे दिया तो यही सॉफ्टवेयर का काम होता है हार्डवेयर से काम करवाना इन सिंपल टर्म्स और इसको दूसरे वर्ड्स में आप कैसे यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स हार्डवेयर व्हाट टू डू जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है इट इज़ शोन ऑन द डेस्कटॉप इन द फॉर्म ऑफ एन आइकन आप इसको देखोगे आपके आपके कंप्यूटर पे छोटे छोटे आइकन बने होते हैं ना वो क्या है, वो सॉफ्टवेयर ही हैं ठीक है इट इज़ शोन ऑन द डेस्कटॉप इन द फॉर्म ऑफ एन आइकन यू कैन नीदर टच नॉर फील अ सॉफ्टवेयर और आप उसको नहीं टच नहीं कर सकते और आप उसको फील नहीं कर सकते ऑन द अदर हैंड हार्डवेयर को आप टच और फील कर सकते हो और सॉफ्टवेयर को आप टच और फील नहीं कर सकते यानी कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम में जिसको आप टच कर सकते हो वो हार्डवेयर है जिसको आप टच नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर है आई होप यू नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वॉट द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स